ये देखिए सब फील मान लीजिए जो आप लोगों के लिए स्पेशल स्टोनिंग करते हैं सामान लिए काम में है। और ये है आप लोग अगर खुद खाना है खाके घर जाकर बच्चे में खिलाओगे या पूरे परिवार में खिलाओगे, ये खाओगे उतनी जल्दी शरीर में जान आओगी जल्दी होगी प्रोटीन ताकत होगा शरीर में। और दवाई आप लोग हमें पूरी की पूरी 6 महीने तक बिना मांगा ठीक है जी करके नाम होता जाए जल्दी जल्दी अंजलि ये सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचे हो यहाँ पे क्या कुछ वितरित किया है और मकसद क्या है? ये हमारे जो ना जी नक्शे मित्रा के लिए हम जो ना इनके लिए खाने की किट वितरित करते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने एक आह्वान किया है इंडिया के सब लोगों को, भारत के लोगों को, कि भाई आप जो है जो टीबी के मरीज हैं टीबी मुक्त भारत बनाना है, उसमें दवाई भारत सरकार और हरियाणा सरकार पूरा फ्री देती है। और उन्होंने लोगों का आह्वान किया जो समाज सेवी संगठन हैं जो बड़े बड़े एनजीओ हैं और हैं कि भाई आप उनको जो टीबी के मरीज हैं उनको नेक्स्ट मित्रा बना के उनको अडॉप्ट करो और उनको खाने की, एक हमारी हैदराबाद की जो ना वो है NIT, उन्होंने जो किट रिकमेंड की है उसके अनुसार खाना देना होता है इनको। तो जो हैदराबाद की रिकमेंड किट है उसी के अनुसार हम जो है ना ये पैक करा के इनको सारा खाना देते हैं। तो ये हर महीने आप? हाँ मैं हर महीने देता हूँ जी, मेरा मतलब मोटा मोटी एक बैच पूरा हो चुका है। और मैंने यहाँ ये हमारे टीबी के हमारे संदीप हैं जो देखते हैं, हमारे SMO साहब हैं, मैंने इनको कहा था भाई आगे जितने भी पेशेंट हैं उनको देखो, तो मोटा मोटी से इनको 50 पेशेंट मिले हैं। तो मैं पूरे के पूरे तकरीबन अडॉप्ट कर रखे हैं और तकरीबन को मैं हर महीने कि अब हमारा जो नया बैच स्टार्ट हुआ है वो 15 तारीख से हुआ है, तो मैं हर महीने आता हूँ और कोशिश करता हूँ भाई मैं इनके बीच में आकर के इनकी सेवा करें, इनको मुख्य धारा में जोड़ें। डॉक्टर साहब एक जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है टीबी के पेशेंट्स के लिए प्रोटीन, क्या कुछ ये चीज़ें हैं और किस तरह से और लोग भी इससे इंस्पायर हों? इसमें दिया साहब जब से मैं अप्रैल से यहाँ हूँ, दिया साहब उससे पहले से भी लगातार आ रहे हैं और काफ़ी गरीब आदमी हैं जो कि प्रोटीन युक्त डाइट नहीं ले सकते, दिया साहब सोनीपत से आके हर महीने इनको डाइट दे के जाते हैं। और इसमें जो मैंने देखा मरीजों से भी पूछा तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, रिकवरी उनकी जल्दी हो रही है। और इस बहाने हम भी मरीजों से फीडबैक ले लेते हैं कि आपको दवाई का कितना असर है, डाइट आप खाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं दिया साहब। और मैं ये चाहता हूँ कि और संस्थाएं भी इसमें आगे हैं ताकि गरीब आदमियों का भला हो। टीबी में मैंने देखा ज़्यादातर मरीज ऐसे हैं जो गरीब तबके से हैं, वो अपनी डाइट नहीं ले सकते, उसके लिए दिया साहब हमें डाइट प्रोवाइड करवा रहे हैं हॉस्पिटल। मतलब ये मेडिसिन तो आप लोग कराते हैं, मेडिसिन सारा होता है, लेकिन प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है? नहीं ब्रेक तो नहीं होती, वो अपने घर डाइट नहीं ले सकते, कई गरीब इतने होते हैं कि प्रोटीन की दालें तेल और भी इसमें कई चीज़ें हैं जो कि वो नहीं खरीद सकते, दूध वगैरह है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। ये किट लगभग 800 से 1000 रुपये की मार्केट में पड़ती है जो कि दया साहब हमें यहाँ पे फ्री में देते हैं मरीजों को देने के लिए। डॉक्टर साहब एक प्रयास किया जा रहा है प्रोटीन किट का, किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को और क्या खाएंगे? हाँ सबसे पहले तो मैं हमारे जो राजवीर दया जी सोनीपत से स्पेशल इसी काम के लिए आते हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और हमारे SMO साहब जो चिकारा जी हैं यहाँ पे, मतलब ये काम मैं कहूँ तो पैसा सभी के पास होता है लेकिन इसको किस जगह लगाएं, सबने भगवान ने सबने को पैसा दिया लेकिन प्रॉपर तरीके से लगाएं, समाज सेवा में लगाएं, तो वो काम हमारे राजवीर दहिया जी कर रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो टीबी के मरीज हैं वो तकरीबन गरीब लोगों में ही ज़्यादा होते हैं जो बीमारी फैलती है, और WHO के हिसाब से अब जो चाह रहे हैं कि टीबी मुक्त पूरा विश्व हो, तो उसमें जो प्रोटीन की हम मात्रा देते हैं उसकी वजह से शरीर में जो ताकत आती है वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दवाई भी चाहिए लेकिन दवाई तभी काम करेगी जब शरीर आपका तंदुरुस्त रहेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा बॉडी को। तो मैं दया साहब का, SMO साहब का और पूरी मेडिकल टीम जो यहाँ पे है उन सबका धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करूँगा जो हमारे बेनिफिशरी है वो प्रॉपर डाइट भी लें और दवाई भी लें, क्योंकि अगर बीच में दवाई छूट जाएगी तो दोबारा से ही फिर उसको अटैक हो सकता है।
तो मैं सभी को साधुवाद देता हूँ और प्रार्थना करूँगा कि राजवीर दहिया जी के भगवान बहुत लंबी उम्र करें और ऐसे ही ये समाज सेवा करते रहें।